नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 5 प्रस्ताव पारित। हरिद्वार कुंभ को भव्य बनाने की तैयारी। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने को हरी झंडी। नैनीताल के किसान खीमानंद ने प्रधानमंत्री को भेजा संदेश। फसल बीमा योजना के लिए की सराहना। प्रधानमंत्री ने खत लिखकर जताया आभार। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास समाप्त। दोनों देशों की सेनाओं ने साझा की तकनीक। आतंकवाद और घुसपैठ से निपटने के गुर सीखे। और उधम सिंह नगर एसटीएफ ने हाथी दांत के साथ 4 तस्कर पकड़े। जंगल में हाथी का गला शव मिला। लापरवाही बरतने पर वन रक्षक निलंबित। वन दरोगा और रेंजर अटैच। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट में कुल 5 प्रस्ताव रखे गए। सभी प्रस्तावों को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोपन विभाग के नाम को बदलकर मंत्री परिषद कर दिया गया है। इसके अलावा कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए डीपीआर तैयार करने को भी मंजूरी दी गई है। हरिद्वार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए मेलाधिकारी के प्रस्ताव पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए नियमावली में शिथिलता प्रदान की गई है। इसके अलावा देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में स्थित फोर्टिस हेल्थ सेंटर का अनुबंध 1 साल बढ़ा दिया गया है। इसमें पहला बिंदु था जो हमारा 2021 का जो पहला सत्र था, इसके 17 अवसान का आज निर्णय लिया गया। सरकार की मंशा है कि कुंभ दिव्य भी हो और भव्य भी हो। सरकार ने आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया शिथिलता देने का, ताकि ये काम चाहे बिजली का काम हो, पानी का काम हो, सड़कों का हो, स्ट्रीट लाइट हो, शौचालय हो और जो बाकी जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उनमें गति देने के लिए मंत्रिमंडल ने इस पर अपनी सहमति दी है। और दूसरा, नगर निगम हरिद्वार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम था, कुल मिलाकर ये 36.64 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, लेकिन इसमें भौतिकता देखते हुए इसको 4 जोन में बांटने का निर्णय लिया। नैनीताल के एक किसान खीमानंद पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमो ऐप के जरिए संदेश भेजकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 सफल वर्ष पूरे होने और सरकार के अन्य प्रयासों के लिए बधाई दी है। उत्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खीमानंद को पत्र लिखकर कहा कि कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों पर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए आपका आभार। ऐसे आत्मीय संदेश मुझे देश की सेवा में जी जान से जुटे रहने की नई ऊर्जा देते हैं। प्रधानमंत्री ने पत्र में कहा कि फसल बीमा योजना मौसम की अनिश्चितता से जुड़े जोखिम को कम कर मेहनती किसान भाई बहनों के आर्थिक हितों की रक्षा करने में लगातार अहम भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र भेजा था। वैसे मैं अन्य सार्वजनिक हितार्थ पत्र भेजते रहता हूं, तो मोदी जी ने हमारा पत्र अपने संज्ञान में लिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने एक छोटे से मजदूर कृषक किसान की बात को सुना और उस पर अमल किया और हमें प्रोत्साहन के मद्देनजर अपना एक प्रशस्ति पत्र भेजा। रानीखेत में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच चल रहा संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 10 तलिक का दूसरा संस्करण आज समाप्त हो गया। 10 दिन तक चले इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने आतंकवाद और घुसपैठ रोकने के तरीकों की तकनीक और युद्ध कौशल सीखे। युद्धाभ्यास में 13 कुमाऊं के 45 सैनिकों और उज्बेकिस्तान की सेंट्रल मिलिट्री यूनिट के 45 जवानों ने भाग लिया। संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवम्बर 2019 में ताशकंद में हुआ था। अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के साथ युद्ध की बारीकियों को साझा किया। इससे पहले 18 मार्च को जवानों ने मजखाली में हेलीकॉप्टर से उतरकर आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखना और उनके ठिकानों का पता लगाने जैसी बारीकियों को एक दूसरे के साथ साझा किया। इस दौरान एयरफोर्स के अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी दी।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री ने सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए हाल ही में 13 नए उपकरण तैयार किए हैं। आयुध निर्माणी बोर्ड ने थर्मल इमेजिंग सिस्टम के साथ लैस नाइट विजन सिस्टम तैयार किया है। इस उपकरण से रात में 600 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक आसानी से देखा जा सकता है। ये उपकरण सीमाओं पर दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के काम आएंगे। आयुध निर्माणी फैक्ट्री देहरादून ने टैंक की नजर को अचूक बनाने का काम भी किया है। पहले टैंक के लिए सिर्फ दिन में देखने वाली डे साइट उपलब्ध थी, जबकि अब नाइट साइट भी ईजाद की गई है। सेना ने इस तरह के 156 ऑर्डर फैक्ट्री को दिए हैं। ओएफडी के जनरल मैनेजर प्रसन्न कुमार दीक्षित ने बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह में 13 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। अब असॉल्ट राइफल के लिए डे साइट तैयार की गई है, जिसके फील्ड परीक्षण किए जा रहे हैं। अभी हमने थर्मल इमेजिंग सिस्टम के साथ लैस नाइट विजन सिस्टम्स आपके सामने लेके आए हैं, जो अभी आप प्रदर्शनी में भी देख पाए। यह इक्विपमेंट 600 मीटर से लेके 2500 मीटर तक रात्रि के समय में कंप्लीट डार्क में हमारे जवानों को सर्विलेंस की क्षमता देगा। इसी तरह से आत्मनिर्भर भारत के लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून ने भी नए नए इक्विपमेंट्स लॉन्च किए हैं। उत्तराखंड पुलिस के दो अफसरों को फिक्की अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। तृप्ति भट्ट को बतार कमांडेंट एसडीआरएफ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए स्मार्ट ज्यूरी अवार्ड 2020 और लोकजीत सिंह को कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन के लिए फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। अल्मोड़ा में पली बढ़ी तृप्ति भट्ट ने कहा कि ये उनके लिए प्रेरणादायी समय है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड के दौरान एसडीआरएफ की टीम को जो भी उत्तरदायित्व मिला उसे उन्होंने निभाया। कोविड के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स, दुकानदारों, कोरोना वॉरियर्स, पुलिस और सफाई कर्मचारियों सहित 1,00,000 लोगों को उन्होंने प्रशिक्षित किया। अक्टूबर 2019 में उत्तराखंड की टीम ने आंध्र प्रदेश में बोट दुर्घटना में भी अभियान चलाया। उन्होंने एसडीआरएफ और पुलिस महकमे को अपनी कामयाबी का श्रेय दिया। एसडीआरएफ कमांडेंट होने के नाते अपने को दिए गए जितने भी उत्तरदायित्व है उसको हमने भली भांति पूरे समर्पण के साथ पूरा करने का प्रयास किया। जिस क्रम में जो विभिन्न प्रदेशों से आवागमन किया जाना प्रस्तावित था, इसके अतिरिक्त जो भोजन वितरण था, जो विभिन्न प्रकार की क्राइसिस कॉल आती थी, वंदे भारत मिशन से लेके जो अंतर्राज्यीय आवागमन पर लॉकडाउन के कारण रोक लगी थी, तो जो सरकार द्वारा व्यवस्थाएं प्रदान की जा रही थी उन सभी का जो मैनेजमेंट था। इसके अतिरिक्त जो हमारी आइसोलेशन वार्ड ड्यूटीज थी उसको एसडीआरएफ के द्वारा काफी भली भांति काफी लंबे समय तक संपादित किया गया। साथ ही साथ जो कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स थे उनका भी समय समय पर पालन एसडीआरएफ द्वारा करवाया गया। जन जागरूकता में, ट्रेनिंग में, फ्लड रेस्क्यू टीम है, डीप डाइविंग टीम है, उसको भी काफी प्रशंसा इस फिक्की के प्लेटफॉर्म पे मिली है। गौरतलब है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की ने वर्ष 2020 में कोरोना काल और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के इन दो अधिकारियों का चयन किया है। बागेश्वर जिले में अब जन शिकायतों और समस्याओं का जल्द निस्तारण हो सकेगा। जिला कार्यालय के साथ ही सभी तहसील कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत हो गई है। तहसील संबंधी कार्यों के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, फाइलों की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त होगी। ई ऑफिस प्रणाली से लोगों के तहसील संबंधी कार्यों को निपटाने में जहां आसानी होगी, वहीं अधिकारियों का समय भी बचेगा और लोगों के धन की भी बचत होगी। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि ये प्रणाली पूरी तरह पेपरलेस है। जिलाधिकारी ने बताया कि लंबे समय तक अब कोई फाइल किसी पटल पर नहीं अटकेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य कार्यालयों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। ई ऑफिस के वजह से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी भी आती है और समय फाइल इसमें फाइल्स भी जो है उसमें समय में डिस्पोजल हो जाती है, कम समय लगता है उसमें। तो इसको हम आगे और बढ़ाएंगे, इसमें बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट्स है धीरे धीरे करके उनको भी हम जोड़ेंगे। इसमें ऑलरेडी हमने हमारा वर्क चल रहा है, जैसे हमारे विकास भवन में भी इसमें हम कोशिश करेंगे कि मार्च एंड तक हम लोग शुरू कर दें। एसटीएफ, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग की संयुक्त टीम ने काशीपुर से हाथी दांत के 4
तस्करों को गिरफ्तार किया है। टीम ने तस्करों से 8 किलो वजन का हाथी दांत भी बरामद किया है। तस्करों को आज अदालत में पेश किया गया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बरामद हाथी दांत की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि तस्करों ने गूलर भोज के जंगल में पानी में फंसे हाथी का दांत तोड़ा। यह घटना लगभग 1.5 महीने पहले की है। तस्करों की निशानदेही पर वनकर्मियों ने पीपल पड़ाव रेंज के पूर्वी बीट से हाथी का सड़ा हुआ शव बरामद किया है। हाथी की उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है। अंदेशा है कि हाथी की मृत्यु पानी पीने के दौरान कमजोर होने के कारण नाले में फंसने से हुई होगी। डीएफओ ने इस मामले में लापरवाही के आरोप में वन रक्षक को निलंबित कर दिया है, जबकि वन दरोगा और रेंजर को एसडीओ कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। डॉक्टरों के पैनल द्वारा हाथी के शव को पोस्टमार्टम के उपरांत दफन कर दिया गया। एसडीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि काशीपुर में चेकिंग के दौरान 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। जांच में उनके पास से हाथी दांत मिला। पूछताछ में हाथी दांत तस्करी गिरोह की सक्रियता मामले में कई अहम सुराग मिले हैं। एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट है, इसको काफी लोग जो है वन तस्करी में लगे हुए हैं। हाल फिलहाल उसमें काफी हमें काम भी किया था। एक सूचना के आधार पर कि 4 लोग जो है हाथी दांत की तस्करी को में लिप्त है। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम और हमारी जो वाइल्ड लाइफ और जो अन्य टीम है वन विभाग की, उनके साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को इसमें पकड़ा गया था, और जिससे हाथी दांत भी बरामद हुआ है। उनकी निशानदेही पर उनसे पूछताछ पर बताया गया कि जिस जंगल से, जिस स्थान से उन्होंने हाथी दांत निकाला था, वहां पर भी डेड बॉडी हाथी की बरामद कर ली गई थी, जिसका नियमानुसार जो भी कार्रवाई उसमें चल रही है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि केंद्र सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 700 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। यह धनराशि गत वर्ष के मुकाबले 200 करोड़ अधिक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि अगले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 400 एएनएम, 150 स्टाफ नर्स, 500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और 13 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर तथा 21 सुपरवाइजर रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए फिजियोथेरेपी, डिलीवरी प्वाइंट, खुशियों की सवारी समेत कई सुविधाएं जुटाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद के जिला अस्पतालों में डायलिसिस की 3 मशीनें मुहैया कराई जाएंगी। उधम सिंह नगर स्थित खटीमा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक बनाने के लिए जिला प्रशासन और एक निजी कंपनी के बीच करार हुआ। कंपनी ने सामाजिक दायित्व के निर्वहन के तहत अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए फंड उपलब्ध कराया। ऐसे ही जिले के 7 अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टरों और तकनीशियनों की कमी के कारण मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ देवेंद्र सिंह पंचपाल ने बताया कि खटीमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का अस्पताल है। उसे 100 बेड का सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। खटीमा के बारे में जैसे आपने बताया, हमारा आईसीयू और सीसीयू और वहाँ पे 30 बेड का टोटल हॉस्पिटल है। इसके अपग्रेडेशन के कागज जा चुके हैं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये अपग्रेडेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। ये 100 बेड बनने की इस पर चल रही, इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा मिल गया, मिलने वाला है। तो अभी हमारा 30 बेड के हिसाब से चल रहा है। जैसे ही हमारा अपग्रेड होगा, वो सामान मेरे प्रचुर मात्रा में, जगह भी है, हम उसको 100 बेड के हिसाब से लगा देंगे। और 100 बेड हम तभी स्टार्ट करें जब हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ आ जाएंगे, क्योंकि अभी 30 बेड के हिसाब से अगर हम पूरा चलाते हैं, लोगों की डिमांड है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं है। वहीं निजी कंपनी के दिनेश कुमार वर्मा ने बताया कि कंपनी की तरफ से सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। उम्मीद है कि आगामी दिनों में ये आमजन के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध होगा। ये जो खटीमा चिकित्सालय है, इसमें पॉलीप्लेक्स के द्वारा 100 बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि डिफरेंट जनरल वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में प्रयोग लिया जा रहा है। इसके अलावा जो एक आईसीयू और सीसीयू भी हमने यहां पर बनाया है, उसमें 12 बेड की व्यवस्था की गई है। आईसीयू और सीसीयू बनकर पूरी तरह से तैयार है, और प्रशासन से जो बात हुई है, बहुत जल्दी ही इसको जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, वो इसको उपयोग में ला सकता है। कंपनी के नीरज कुमार ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य आम जनता को चिकित्सा संबंधी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध होती हैं। कंपनी ने सितारगंज अस्पताल को उच्चीकृत करने का भी निर्णय लिया है। हमारा विजन यही है कि जो सितारगंज के हमारे कॉमन पब्लिक हैं, उनको हेल्थ केयर के लिए कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। बिकॉज आम जनता के लिए
जो ऑप्शन होता है वो सरकारी अस्पताल ही हो जाता है, तो वहाँ की फैसिलिटीज़ ऐसी हों जो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ को ना सिर्फ कम्पीट कर पाएँ बल्कि बीट कर पाएँ। तो इसी विजन और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर आरएएन टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News Uttarakhand और हमारे यूट्यूब चैनल DD News Uttarakhand को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथों को धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार।